हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइनीज़ किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाने वाला इवनिंग स्नैक। तो इस रेसिपी का नाम है छोले समोसा चाट। बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट फूड है ये। मैंने इस रेसिपी को जिस तरह से बनाया है, बिल्कुल आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना। आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए हम रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समोसा बना लेंगे। तो उसके लिए हम एक बोल में डाल लेंगे मैदा, जिसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, कलौंजी और अजवाइन, ऑयल, और इन सबको हम अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये एक शेप पकड़ पाए। इसका मतलब अच्छे से मोयम हमारे मैदे में बन गया है। अब हम पानी डालकर इसका एक मीडियम सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। आटा तैयार है, अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। तब तक फिलिंग बना लेते हैं। तो एक पैन में हम डालेंगे ऑयल, जिसमें हम डालेंगे ज़ीरा और सौंफ, ग्रेट किया हुआ जिंजर, ग्रीन चिली, और इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू, फ्रोजन मटर, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और आमचूर पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार है, अब हम इसको ठंडा होने देंगे। एक पतली रोटी बेल लेंगे और इसको हम चाकू की मदद से बीच में कट कर लेंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और स्टफिंग भर के पानी की मदद से हम इसको अच्छे से सील कर लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब समोसे को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे हमारे छोले। छोले की रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही, खजूर और इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, कटा हुआ प्याज, चाट मसाला और सेव। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे छोले समोसा चाट। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंग्रेडिएंट के मेजरमेंट्स भी आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। Make a cup of coffee for your head.